Congress Lok Sabha candidate Madhusudan Mistry is contesting against Narendra Modi in Vadodara. He was in Vadodara and he took pot shots at Narendra Modi ahead of the elections in the constituency. Madhusudan Mistry said if Narendra Modi is made the PM, the country will be in the worst situation. He said while Gujarat was already suffering, with Modi rising in ranks, India will suffer. He said with 10 to 12 years of Modi rule, Gujarat is under debt of 13,000 crore. He said Congress had managed to steer clear of debt. अरे बहुत से और भी हालत खराब होगी इस राज्य की तो है ही इस देश की भी होगी ऐसे उनके और भी डिटेल के अंदर बाद में जब हम प्रेस में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या हालत है इकोनॉमिक स्थिति जो गुजरात की बिगड़ी हुई है भैया मैं तो आपसे विनती करता हूँ कि आप पूछिए उनसे कि क्या किया आपने 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर इस देश के अंदर इस गुजरात के अंदर कम से कम 130 लाख 30 हजार करोड़ से ज़्यादा का है तो कर्जा होगा कांग्रेस के शासन के अंदर ये नहीं था उसमें और करीब 8 से 10 लाख लोग आज भी बेकार है कहाँ गया उनका वाइब्रेंट गुजरात का दावा Madhusudan Mistry said to create a level playing field, Gujarat CM Narendra Modi should give up his post. बिल्कुल परख लेना और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लेके चुनाव लड़ना ये तो दो तो गवारा नहीं देता मैं बहुत मानता हूँ साफ मानता हूँ कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रेजिग्नेशन देके लड़ना चाहिए चुनाव या तो फिर अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते तो ऐसे में आप कानूनी तंत्र को बदलने की मांग कर सकते हो नहीं मैं नहीं ये करूँगा मैं है तो इलेक्शन कमीशन का ध्यान जरूर आकर्षित करूँगा This report was brought to you by NNIS.